कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, वैसे मनुष्य इसके जिम्मेवार भी होते हैं। अपनी सुविधा के लिए वो पेड़ काट देते हैं जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जब गर्मी होता है तो अधिक गर्मी लगता है, जब बाढ़ आता है तो बाढ़ की त्रासदी से लोग परेशान हो जाते हैं, जिस कारण मनुष्य का जनजीवन, मानव का जीवन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। मनुष्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा जिम्मेवार स्वयं मानव ही हैं। अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए लगातार लोग जो है सो पेड़ काट रहे हैं, जिस कारण जो है सो जलवायु काफ़ी परिवर्तित हो गया है। इसी सब को देखते हुए अब मनुष्य जो है सो अपने स्तर से कई पेड़ लगा रहे हैं, बड़ी संख्या में पूरे देश में पेड़ लगाया जा रहा है। इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने नरगोना परिसर में सहित कई अन्य जगहों पर भी जो है सो करीब 700 से 800 पेड़ लगवाया और यह निरंतर कार्य चलता रहेगा। इसी क्रम में जो है सो आज नरगोना परिसर में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए गए और लोगों से आह्वान किया गया कि आप वृक्ष लगाएं, जनजीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ है इसका सीधा सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ रहा है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा वृक्ष लगाया जा रहा है। इस संबंध में जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी हैं, उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जो पेड़ लगाया गया है उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि राजभवन का भी आदेश है कि बड़ी संख्या में जो खाली पड़ी जमीन है मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में वहाँ वृक्ष लगाया जाए। आज के कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के अलावे पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के जो है सदस्य हैं वो उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं इस संबंध में भू संपदा पदाधिकारी कामेश्वर पासवान ने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, इसी क्रम में भारत सरकार की भी योजना है कि अधिक से अधिक प्लांट लगे और हर एक कार्यालय हर एक विभाग में सरकारी स्तर से भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में महामहिम कुलाधिपति महोदय का जुलाई में एक पत्र आता है कि विश्वविद्यालय में जो खाली पड़े ज़मीन है उस सभी खाली पड़े ज़मीन पे आप पौधा लगाएं। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन उस समय और उससे पूर्व से ही पेड़ पौधा के प्रति हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन लगाने के हित में है, और ये पर्यावरण जो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग की तरह कन्वर्ट हो रहा है उसको बचाया जाए, इस संदर्भ में माननीय कुलपति महोदय बहुत ही संवेदनशील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। जुलाई में महामहिम कुलाधिपति कार्यालय से पत्र आता है, उसके बाद हम लोगों ने एक संगठन के साथ मिल के उनके सहयोग से लगभग अभी तक 740 पेड़ लगाया जा चुका है। और जहन में ये आया है कि नेक्स्ट डे जो हम लोगों का प्रयास होगा कि उसमें अधिक से अधिक वह पेड़ लगाएं, वहाँ के बाद जो खाली पड़ी ज़मीन जो जगह है जिस तरह का पेड़ हर जगह पे हर तरह का पेड़ आँख बंद करके लगा भी नहीं सकते हैं। जैसे कोई पार्क टाइप का होगा जगह तो पार्क में जिस तरह का पेड़ लगना चाहिए वह पार्क के हिसाब से तय किया जाएगा, और इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वह जो ओवल पार्क संभवतः आप उसी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और आपको 6 महीना बाद पता चलेगा कि यहाँ आप 6 महीना पूर्व जो आपने एक प्रश्न किया था कि उसमें पेड़ पौधा जल जीवन हरियाली जो सरकार बिहार सरकार का भी योजना है, इस पर बिहार सरकार की योजना को भी इम्प्लीमेंट करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन आपको दिखेगा।